आशीष जी, आप जरा पेटीएम पर सर रिव्यू दीजिए, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। और जब ये गिर रहा है वहां पर लोग समीक्षा के लिए आ रहे हैं कि क्या बस हो गया या और गिरेगा। 380 रुपए का भाव है, 10% के लोअर सर्किट पर आकर ये कारोबार कर रहा है। हालांकि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बड़े नेगेटिव आ रही हैं कि कस्टमर लूज करेंगे, भरोसा कम हो गया है, जो कि सर्वविदित हम कह सकते हैं, हम देख भी रहे हैं। आपका व्यू सर क्या कह रहा है पेटीएम के बारे में? क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कारोबार के हट जाने से क्या हम पूरे पेटीएम को लेकर सशंकित होने चाहिए हमें? देखिए, क्योंकि आप पेटीएम का ज्यादा यूज कोई या मूवी टिकट बुक करने में या एयर ट्रेवल के लिए तो करते नहीं थे आप, उनका पेमेंट गेटवे ही यूज करते थे कि आपके वॉलेट में पैसा है और आपको किसी एक दूसरे को वो पैसा देना है किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए। यदि आपका कोर बिजनेस मॉडल ही शेक हो गया, मेरा सवाल यही है कि यदि कोर बिजनेस मॉडल ही शेक हो गया तो एंसिलरी बिजनेसेस में कोई इतना मार्जिन या इतना स्कोप नहीं है कि वो उसको कॉम्पनसेट कर पाए। क्योंकि पेटीएम की जो पोजीशनिंग थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, हर 3 इंडियन के मोबाइल फोन में एक के पास में पेटीएम बिल्कुल था। और अब ये जो कि पूरा ये 29 फरवरी तक ये बाइंड अप होना है पेमेंट का मैकेनिज्म, तो ये सारा जो बिजनेस है ये या तो यूपीआई, जीपे या अमेजोन पे या पेपल या जो भी साइट के ऐप है उनके पास शिफ्ट होगा। तो मुझे लगता है कि जो आरबीआई गवर्नमेंट का भी स्टैंड था कि कोई रिव्यू नहीं किया जाएगा, ये लास्ट नेल इन द कॉफिन कहा जा सकता है कि कहीं कोई अभी ऐसा होप नहीं है कि अब तक कोई इसको कोई टेक ओवर ना करे। जब तक कोई कॉर्पोरेट डेवलपमेंट नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि आपको पेटीएम के स्टॉक में बाय करना चाहिए। जिनके पास है वो क्या करें, वो बेच के निकल जाएं या फिर कुछ उम्मीद बना के रखें अभी? देखिए, बड़े बड़े मार्किंग जो नेम्स थे वो निकल गए तो रिटेल निवेशक को क्यों वेट करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और अभी भी निकल जाने की सलाह रहेगी, इसको एक खराब इन्वेस्टमेंट मान के एक बार निकल जाए ताकि आप किसी दूसरे स्टॉक में जो अभी इतने सारे अच्छे पीएसयू स्टॉक गिर गए वहां पे कहीं निवेश करें। बिल्कुल 2-1 साल में वहां अच्छा रिटर्न बनेगा, पर पेटीएम में मुझे नहीं लगता कि दोबारा से वो 600-700 के लेवल अभी आए। ठीक है, पेटीएम से निकलने की सलाह। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए जब 900 रुपए के भाव देख रहे थे पेटीएम में, वहां से ये शेयर करेक्ट हुआ और अब तो 400 रुपए के भी नीचे जाकर कारोबार कर रहा है। निकल जाने की आपके लिए सलाह है, जो पूंजी बचती है बचा लीजिए, किसी अच्छे शेयर में डालिए, हो सकता है कि इस नुकसान की भरपाई कोई दूसरा शेयर करवा दे। पेटीएम में वो दमखम नहीं बचा है, अगर यहां से ना भी गिरे तो ग्रोथ को लेकर सवाल तो है ही, और ये आपको जरूर अपने जहन में रखना चाहिए।